इस निस्बत के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गुलिस्तान के अंदर बयान की है। कहने लगे मैं एक मर्तबा अपना वाकया सुनाते हैं। कहने लगे मैं एक मर्तबा वॉशरूम गया। उस जमाने में कच्चे हमाम हुआ करते थे, वॉशरूम पब्लिक टॉयलेट हुआ करते थे। कहने लगे मैं एक मर्तबा पब्लिक वॉशरूम गया, वहां पर ढेले पड़े हुए थे जिनसे लोग इस्तिंजा करते थे, आम मिट्टी के ढेले वहां रखे गए थे। कहने लगे मैंने जब इस्तिंजा कर लिया तो मुझे अचानक महसूस हुआ कि ढेले के अंदर से वो खुशबू आ रही है जो मेरे हाथ में ढेला था, तो मुझे उससे खुशबू आई। तो अब शायर है उसको जरा अपना तखयल में ले गए। कहने लगे कि मैंने ढेले से पूछा कि तुम तो यहाँ वॉशरूम में पड़े हो, ये बदबूदार जगह है, बंदे यहाँ कजाए हाजत के लिए आते हैं, अपना इस्तिंजा करने के लिए आते हैं, बड़ा वॉशरूम करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के ढेले से खुशबू आना ये अजीब बात है। कहने लगे वो ढेला मुझसे मुखातिब हुआ, वो कहने लगा बगुफ्ता मन गिले ना चीज बुदम वलेकिन मुद्दते बाकुम नशिस्तम जमाले हम नशी कर मन असर कर बगर ना मन हम आखाकम के हस्तम। कहने लगा ढेला मुझसे मुखातब होकर कहने लगा मैं नाचीज ढेला हूँ, कच्ची मिट्टी मेरी औकात है, मैं वॉशरूम में पड़ा हूँ, ये गंदी जगह है, आंधी को मुझसे बदबू चाहिए लेकिन मेरी निस्बत कुछ दिन फूल के साथ रहती है। मेरे अंदर से फूल पैदा हो गया था, मेरी उसके साथ निस्बत और ताल्लुक हो गया, मुझे उस निस्बत की वजह से उसने भी अपनी खुशबू में रंग दिया। आप मुझे बताइए ईमान वाले से मुस्तफा करीम की खुशबू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? यहाँ गली से कोई गुजरे पता चले ये मुस्तफा भी जा रहा है।